वाले सवाल सलाम। ये है कि जब आप छोटे होते थे आपको स्कूल अच्छा लगता था? मुझे कोई स्कूल बस बस फर्ज समझ के जाया करता था। खुश खुश हाँ अच्छा लगता था, जाके वहाँ खेलने का मौका मिलता था बच्चों से। लेकिन अब मौका ऐसा आ गया है तो उनको पढ़ाई के बगैर गुजारा नहीं होना, इसलिए पढ़ाई करो ताकि काम आ सको जमात के। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी नहीं था, बस मेरा फेवरेट यह था कि मैं पास हो जाऊँ हर सब्जेक्ट में। हाँ लड़की, हाँ वो इनको हमारी आखिर में खड़ी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि जब आप मेरे एज के थे तो आपका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ कैसे था? तुम कितनी एज की हो? 11 की हूँ। 11 की, बस हमें नमाज़ें पढ़ते थे, अल्लाह ताला को हम मानते थे और हम समझते थे कि अल्लाह सुनता है दुआएँ, और जब मुश्किल में पढ़ते थे तो अल्लाह से दुआ करते थे रो रो के। बस तुम भी इस तरह किया करो। जज़ाकअल्लाह। वो पीछे बैठी है तुम्हारी आने वाली, एक और वो उसको दे दो। हाँ यस, खड़ी हो जाओ ग्लासेस वाली लड़की पीछे। यस, अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। अस्सलाम। मेरा सवाल है कि एथियस्ट लोग से हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हारा इतना मजबूत ईमान है कि तुम उसको एथियस्ट को तबलीग करके खुदा की तरफ ले आओ, हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तुम कमज़ोर ईमान की और तुम्हें खुद नहीं पता अल्लाह ताला की एक्सपीरियंस ही नहीं है अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह ताला की ताकत का, हैं, और फिर ये ना हो कि एथियस्ट के साथ दोस्त बन के तुम खुद एथियस्ट हो जाओ, ठीक है? क्योंकि असर दूसरे का असर ज़्यादा डालता है, अपना इन्फ्लुएंस दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उसका हमदर्दी करो, उसके साथ तुम्हारी सिंपथीज होनी चाहिए कि तुम उसको अल्लाह ताला की तरफ ले आओ कभी मौका मिले तो। दोस्ती से ना बुरा असर भी पड़ जाता है। एक दफ़ा मसीह अलैहिस्सलाम से एक सिख ने पूछा था कि मुझे खुदा से मैं दूर हट रहा हूँ, एथियस्ट हो रहा हूँ, मुझे क्या वजह है, मुझे बताएं किस तरह मैं अल्लाह ताला की दुआ रहा हूँ अपने मज़हब के मुताबिक। सिख था हालांकि वो, तो आपने फरमाया था तुम्हारी जो स्कूल में पढ़ते हो ना, तो जो तुम्हारा सीट फेलो है ना स्कूल में, हैं, उससे उस सीट बदलो अपनी। और उसने सीट बदली, वापस खुदा की तरफ आ गया। तो और उसने फिर बताया मसीह अलैहिस्सलाम को आके कि हाँ कॉलेज में था कि मेरा दोबारा खुदा की तरफ मैं आ गया हूँ, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह मियाँ है, और एथियस ख्यालात जो थे मेरे वो ख़त्म हो गए। तो फिर अल्लाह ने मसीह ने फरमाया कोई तुम्हारा दोस्त जिसके साथ तुम बैठते थे ना वो एथियस था। और बाकी जब पता किया तो पता लगा वो एथियस था, बग़ैर बोले बग़ैर बात किए, हैं, और असर डाल रहा था वो एथियस उस पर, तो वो जो मज़हब वाला था वो भी एथियस हो गया। दोस्ती का मतलब ये होता है कि बहुत गहरे ताल्लुकात, उठना बैठना हर वक्त हो, तो वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है एथियस्ट। अगर तुम्हारे पास पूरी दलील नहीं है खुदा ताला के लिए, पहले अपने आप को तैयार करो, अल्लाह ताला की हस्ती पर पूरा यकीन पैदा करो, तुम्हें पता हो कि खुदा क्या है, खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा ताला दुआएं सुनता है, तुम्हारी दुआएं सुनी, और फिर तुम उसकी हमदर्दी के लिए उसको खुदा की तरफ लाने के लिए अगर उसको कभी कभी मिल लिया करो और उसको खुदा की बातें बताया करो तो ठीक।